तो नमस्कार, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्रॉम्पटन मोटर जो कि आया हुआ है, इसका कनेक्शन जल चुका है। तो दोस्तों, इसका हमने खोल लिया है और इसका कनेक्शन बता रहा था लेकिन एक पॉइंट नहीं बता रहा था। तो दोस्तों, इसका देखिए हमने छील लिया है इस तरह से। अब इसका कनेक्शन करके इसको बांधेंगे तो देखिए दोस्तों चलता है या नहीं। अगर जो नहीं चलेगा दोस्तों, तो इसको हमें दोबारा रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, काफ़ी हिट है कॉइल, फिर भी देखते हैं कनेक्शन करके। अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो इसका दोबारा हम बाइंडिंग करेंगे, तब आपको इसका बाइंडिंग डाटा बताएंगे और इसको बाइंडिंग करके बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अब हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन के बाद में अब इसका हम चेकिंग करेंगे, तो देखते हैं टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है। दोस्तों, अब इसको हम सीरीज से चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब इसमें, तो देखिए दोस्तों अब इसका पॉइंट बताने लगा है, ये पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मेन वायर हो गया और इस पे दो पर कंडेंसर रहेगा। तो दोस्तों, इस पे हमारा मेन वायर हो जाएगा इस काले पर, और इस पे दो पर हमारा कंडेंसर रहेगा। तो दोस्तों, ये हमारा, ये रनिंग वाली कॉइल है, तो इस पे हमारा रनिंग वाले पे सीधा चलेगा ये लाल वायर पे। तो दोस्तों, इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद में इसको बांध करके चेक करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका एक ही कनेक्शन जला हुआ था, तो हम इसका एक कनेक्शन कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी हमारा तीन लीड बाहर निकल जाएगा और ये हमारा मेन हो गया, इस पे दो पर कंडेंसर लगेगा। तो दोस्तों, अब हम स्लीपिंग पाइप लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी स्लीपिंग पाइप लगा लेना है, अगर कोई कनेक्शन आप सही करते हैं तो। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी स्लीपिंग पाइप लगा लेना है। अब ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसका तीन वायर बाहर निकाल देते हैं, इसके बाद इसकी सिलाई कर देते हैं या इस पर टाई मार देते हैं, ताकि वायर सही से सेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी कॉइल को सेट कर लेना है, इसके बाद में इस पर टाई लगा देना है, क्योंकि दोस्तों जब टाई हमारा लग जाएगा तो हमारी कॉइल आसानी से बन चुकी होगी, क्योंकि इसमें हम सिलाई नहीं कर सकते क्योंकि हीट ज़्यादा है, इसलिए हम इस पर टाई ही लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बीच बीच में हम दो चार टाई लगा देते हैं, ताकि हमारा वायर सेट हो सके आराम से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से वायर लगा देना है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी दो टाई लग चुकी है और इस साइड भी लगा लेते हैं इस तरह से, क्योंकि दोस्तों अगर हम इस पे सिलाई करते तो सही से नहीं हो पाता, इसलिए हम इस पे टाई ही लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी टाई लगा लेना है। टाई लगाने के बाद कॉइल को बांधेंगे और बांधने के बाद भी चेक करेंगे, देखिए कैसे चल रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से टाई लगा के आपको कटर से इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी कॉइल बंद के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बांध लेते हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी बांध लिया हूँ, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने कॉइल को बांध ली है। देखिए, आप बिल्कुल फ्री करके बांधना है, क्योंकि दोस्तों
अगर कहीं हल्का भी जाम करे तो उसको सही कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी बांधना है। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के बाद इसका टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको कंडेंसर में लाल वाला तार इस तरह से जोड़ लेना है। इसके बाद ये दूसरा काला तार भी जोड़ लेते हैं। इसके बाद में हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको भी कॉइल को तार जोड़ लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको जोड़ लिया है, अब इसका टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम कॉइल को चेक कर लेते हैं सीरीज से कि कहीं अर्थिंग तो नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये ठीक ठाक है। अब हम इसको चेक करते हैं मेन पे लगा के। तो दोस्तों, आपको सही से देख लेना है कहीं आप अर्थिंग तो नहीं उतर रहा है, क्योंकि दोस्तों अर्थिंग उतरेगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद में तार जोड़ लेते हैं मेन लीड, और इस पे भी इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जोड़ लेना है। और दोस्तों, इस वाले पे हमने स्लिपिंग लगा दिया क्योंकि कहीं टच ना हो, क्योंकि दोस्तों मेन सप्लाई से हम चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अच्छा चल रहा है। दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डीएस बेस्ट इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।